जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों ने एक बार फिर से टारगेट किलिंग को अंजाम दिया है। आतंकियों ने सोमवार को एक लोकल शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी है। विक्टिम की पहचान मोहम्मद रजाक के रूप में हुई है। 40 साल के रजाक सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में काम करते थे। उनके भाई सेना में जवान है। आतंकियों ने मोहम्मद रजाक के घर पर फायरिंग की थी। इस दौरान रजाक को गोली लग गई। वे हमले में बुरी तरह जख्मी हो गए थे। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया जहाँ उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए पूरे इलाकों को सील कर दिया है। पुलिस और सेना की ज्वाइंट टीम ने हमलावरों को पकड़ने के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है।